जी? रूम खाली है क्या? बात तुमको टॉयलेट के ऊपर नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये टॉयलेट लिखा हुआ है। हम वही सोचे कि इतना अच्छा घर है, गाड़ी भी है, फिर ये टॉयलेट क्यों लिखा हुआ है? कहाँ पढ़ते हो तुम? यूनिवर्सिटी में। आर्ट्स या साइंस? आर्ट्स। तभी तो नेता बन रहे हो तुम, जब यहाँ स्मार्ट सोलर रूम नहीं देते। क्या आपके मकान न्यूटन ने बनाया था क्या? इसीलिए तुम स्मार्ट सोलर रूम नहीं देते, हम समझे ना तुम? बस मत करो, जाओ यहाँ से। अंकल जी, एक रिक्वेस्ट है। ये जो आप बाहर टॉयलेट का बोर्ड लगाए हैं ना, इसके नीचे आप लिख दीजिए ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। आपका और हमारा बहुत सी खत्म हो जाएगा। अरे जाओ नहीं यहाँ से, जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं? अंकल जी, आपके यहाँ रूम खाली है क्या? हाँ खाली है, लेकिन हम स्टूडेंट को नहीं देते हैं। इसलिए तो खाली है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये कहना था कि अंकल जी, हम ये कह रहे थे कि पापा पानी। सपने में कुड़ी वो आंधी है, मैं तो उस पे प्यार लुटावा, याद उसकी दिल में बसावा, ढूंढ कहा उसको कि दिल मेरा नाल 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 ले गई। जो हम फैमिली वाला रूम देते हैं, जाओ यहाँ से। हर तो आप टेंशन काहे लेते हैं, हम बनाते हैं ना फैमिली। अरे गजब बेहूद आदमी है, हम करते हैं पर कुछ बनाते हैं। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, नहीं जाएगा रूम। जाओ पिंकी, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ जी, क्या एक्सक्यूज मी अंकल? हाँ जी कहिए महोदय। अंकल एनी रूम खाली है क्या? एक मिनट रुक जाइए, रूम तो खाली है, लेना है? यस अंकल। अच्छा, तो एक चीज़ पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट अंकल? यहाँ महिलाएं वर्जित हैं, तो आपको अपने दिल और दिमाग पे नियंत्रण पाना होगा। अंकल नो इशू, देन सो मी। हाँ दिखा रहे हैं। एक बात बताइए, आप ब्राह्मण हैं या किसी और जाति के हैं? नहीं अंकल, आई एम यादव। अच्छा, तब तो आप मांस मदिरा का भी सेवन करते होंगे। अंकल मदिरा तो बिहार में बैन है। बैन तो है। रही बात मांस की, तो कभी कभी चिकन डिनर हो जाता था, लेकिन जब से पबजी बैन हुआ है, नो मांस, अरे नो मदिरा। वाह क्या वाह, आइए आइए। अंकल पूरी बात खत्म तो करने दो। हाँ, कहिए। कभी कभी एक चल जाता है। छी 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 छी, राम राम राम, जाइए जाइए यहाँ से, रूम हमको नहीं देना है। अरे अरे अंकल अंकल, अरे अंकल मेरी बात तो सुनो यार। अरे अंकल एक नॉनवेज में नहीं आता है। मैं यार साले किसने लिख दिया कि एक वेज है, जबकि वो मानता ही नहीं है। अंकल जी रूम खाली है क्या? हाँ बेटा खाली है, आजा आजा, खाली है बेटा, खाली है। अरे बेटा इनके यहाँ रूम हमेशा खाली रहता है, बड़ा मनहूस रूम है। क्यों अंकल? अरे किसी का सिलेक्शन ही नहीं होता, आज जब सिलेक्शन ही नहीं होगा तो तुम यहाँ रूम लेके क्या करोगे? अबे चाचा, अरे बेटा इनके यहाँ तो भूल के भी रूम मत लेना। क्यों अंकल? अरे इसके घर तो पानी ही नहीं आता है, सारे लड़के तो हमारे घर से पानी ले आते हैं। अरे दीनालाल कितना झूठ बोलेगा रही मासूम लड़का से, तो झूठ बोलते बोलते बाल पक गया। हमारे घर से का नियाग्रा फॉल से पानी आता है, झूठा कहीं का? बे झूठा, तुमसे तो कम ही झूठ बोलते होंगे, नहीं तो ये नहीं बोलते थे कि हमारे छत से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है? हम झूठ बोल रहे रे, हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते बोलते बाल पक गया, तुमको शर्म आ रहा है मासूम लड़का से झूठ बोल रहा? अबे झूठा, अबे झूठा, तो खनान अंकल आपके यहाँ छत से पानी टपकता है और आपके यहाँ पानी आता ही नहीं है, तो लेने से क्या फायदा? चल भाई चल, रखिए अपना रूम अपने पास। भगा दिया ना मेरे घर, कह भागे रे, तुम झूठ बोलेगा तो नहीं भागेगा?
अब तुम खंडानी झूठो सर, खंडानी झूठा हो। और क्या बात कर रहे हैं, मकान मालिक गड़बड़ कर रहे हैं तो मकान मालिक से बात करेंगे? अरे मकान मकान मालिक थोड़ी है, हमारा है सारा माननी, हम करते हैं। लगता है नीलू जी नहीं। और उसका बेटा है जी, पैसा उठा लेता है। नीलू जी आप ही हैं, बात हुई थी आपसे, पर्ची पर नंबर था आपका ना। जी जी हाँ ठीक है, हम बात करते हैं आपसे, कहिए। मकान मालिक गड़बड़ कर रहा है यार। जी जी कहिए क्या बात है। नहीं रूम लेना था हमको। अच्छा रूम लेना था, कैसा रूम चाहिए? 1 BHK, 3 BHK, 2 BHK, सिंगल रूम, डबल रूम, अटैच बाथरूम, नो बाथरूम, किस रूम? अरे हम स्टूडेंट है ना थोड़ा। अच्छा स्टूडेंट है, कौन स्टूडेंट? इंजीनियरिंग, मेडिकल, बी फार्मा, सी फार्मा, डी फार्मा, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे बैंक या फिर एसएससी वाले हैं? अरे एसएससी मान लीजिए, एसएससी। किधर रूम चाहिए? महेश नगर, पटेल नगर, गांधी मैदान, बोरिंग रोड, बाजार समिति, मकानियों, वहाँ महेंद्र की रूम के बताइए जल्दी। अरे किसी भी एरिया में इतना सस्ता देख के लगवा दीजिए। वैसे बताइए कितने का रूम चाहिए? 10,000, 20,000, 5,000, 50,000? नेक्स्ट मॉर्निंग। नीलू जी आप अपने रूम का ना जहाज बना के उड़ा दीजिए, समझे ना? नहीं चाहिए रूम हमको, गजब मेंटल आदमी है यार। अरे 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 भैया, अरे सुनिए ना, अरे भैया, अरे करा देंगे मैनेज, अरे मैनेज करा, डायरेक्ट डीलर बोलिए। अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, अरे भैया भैया जी रूम तो ठीक है, बाकी किराया कुछ ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर देते तो। देखो बाबू किराया तो हम कम करके ही बताए हैं, बाकी हम चाहते भी हैं कि तुम यहाँ रहो, देख लो अपना। भैया जी 500 कम हो जाता तो हमारे बजट में आ जाता, हम कल से ही शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं बाबू किराया हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई आके रूम मेरा ले ही लेगा। आपका रूम आज नहीं तो कल लग ही जाएगा, पर है स्टूडेंट के बाप अंबानी और अडानी नहीं होते ना, कुछ हम जैसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पिताजी किसान होते हैं, कुछ उनके बारे में भी तो सोचिए। नहीं बाबू कम नहीं कर सकते हम, तुम कहीं और देख लो। ठीक है भैया जी। सो हेलो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो गाइस तब तक आप हमारे सारे सोशल मीडिया से जुड़ जाइए, स्पेशली इंस्टाग्राम से तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर आने वाले BTS और आने वाले वीडियोज़ और आपकी ऑन डिमांड ख्वाहिश भी हो जाएगी पूरी, ये हम अगले टॉपिक पर कौन से कैसे वीडियोज़ लाएँ। सो आई होप कि प्यार मिलता रहेगा, साथ बना रहेगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू रहेगा।